जयपुर में पिछले दिनों हुई पथराव की घटनाओं और हाल में एक युवक की हत्या के मामले में राजस्थान बीजेपी ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार तुष्टिकरण की पराकाष्ठा कर रही है और राजस्थान में पिछले एक माह में पथराव की 5 घटनाएं हो चुकी हैं और हाल में जयपुर के खो नागोरियान में एक युवक की हत्या के बाद भी काफी बवाल मचा था। पार्टी के प्रदेश मंत्री मुकेश दाधीच का आरोप है कि सरकार युवक की हत्या के आरोपित को मंदबुद्धि बताकर तुष्टिकरण की पराकाष्ठा कर रही है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि राजधानी में भय का वातावरण उत्पन्न करने किसका संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जयपुर के पर्यटन और उद्योग धंधों को खत्म करने का संयोजित षड्यंत्र है और दादीच ने कहा है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है जिसकी वजह से उन्होंने प्रदेश की राजधानी में आतंक फैला रखा है। ये अपराधी संयोजित षड्यंत्र के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार की तुष्टिकरण की नीति के कारण जयपुर में पिछले 2 महीने में पथराव और भीड़ की हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी है।